ये 2 मिनट की वीडियो में डर्मा रोलर के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वाला टूल्स है आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए। कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका यूज़ करना भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मार्स का मैंने 200 का डर्मा रोलर मंगाया था, ठीक है। इसमें 450 टिटेनियम नीडल्स हैं जो 5 mm की हैं। इसमें 0.75 mm भी आता है, बट 5 mm इज़ स्टैंडर्ड साइज और ये आप मंगा सकते हैं। सो जब भी कोई आप हेयर ऑयल यूज़ करने जा रहे हो या मिनोक्सिडिल ही यूज़ करने जा रहे हो, कुछ भी आपको अपने सर में अप्लाई करना है, तो आप उससे पहले इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा इफेक्टिव है, डर्मा रोलर बड़ा इफेक्टिव है। कैसे, मैं वो आपको बताता हूँ। आपको वैसे मैं बताता हूँ पहले कि एक्चुअल में करना है क्या है। आप भी कहोगे वाह क्या चीज़ बता दी और सब्सक्राइब करके जाओगे डेफिनेटली। सो इसमें करना है क्या है आपको, सबसे पहले आपको ये अपने स्कल्स पर इस तरह से इंजेक्ट करना है, मतलब चलाना है। इसकी जो नीडल्स होंगी आपकी स्किन के अंदर जाएंगी और जो आपके रोम्स होंगे उनको थोड़ा सा ये जगह जगह से खोल देगी। अब इससे होता क्या है, इसमें एक तो ये तरीका हो गया कि भाई करना है कैसे, जहाँ जहाँ आपकी डेंसिटी कम है वहाँ पर आप इसको थोड़ा टाइट हार्ट से चला सकते हैं। थोड़ा सा पेन होगा बट इतना नहीं होगा कि आप सहन ना कर सकें। लाइफ में तो बहुत कुछ सहन कर रहे हो ना आजकल, इसको भी कर लेना। इसको लगाने के बाद क्या होगा, जो आपका एक तो जो रोम्स होंगे, जो छिद्र होंगे, जो होल्स होंगे, वो बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा तेज़ होगा। और आप जो भी चीज़ इसमें लगाएंगे, जो भी चीज़ यानी कोई भी हेयर ऑयल आप लगाएंगे या कोई भी मिनोक्सिडिल वगैरह या लिक्विड लगाएंगे, वो जल्दी से आपके स्कल में चला जाएगा। तो इसकी दो चीज़ें हैं कि पहले तो आपका जो होल्स और जो छेद वेद ये सब बन जाएंगे, उससे ऑयल और जो ये चीज़ें हैं वो जल्दी से चली जाएंगी। और इंटरनली क्या होगा, आपको जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो तेज़ हो जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन में ये हमारी जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसी के थ्रू स्कल्स में आते हैं और आपके हेयर को वो न्यूट्रिशंस मिलते हैं ब्लड के थ्रू ही। तो क्या करना है, जब ये आप पूरा चला लें तो आपको नेक पीछे डाउन करके लेट जाना है, मतलब कि सर को झुका के लेटना है, जिससे कि जो है ब्लड का जो सर्कुलेशन है और तेज़ी से आपका सर की तरफ आए, तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। फिर जो भी चीज़ आप अप्लाई करें वो चीज़ अप्लाई करें, और बहुत नॉर्मल हाथ से ही मालिश करना है, क्योंकि ऑलरेडी इसने छेद किए हुए, ज़्यादा करोगे तो आपके जो होल्स होंगे वो डैमेज हो सकते हैं। तो आप नॉर्मली एक मसाज करें, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। आप ये यूज़ करें, चाहे वो ऑयल के साथ यूज़ करें या आप नॉक्सिडिल के साथ यूज़ करें, तो मंगा लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।